आज हम लोग बनाएंगे चाउमीन। ये बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, बड़े को भी अच्छा लगता है और चाइनीज़ आइटम सबको बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आज हम लोग चाइनीज़ आइटम बनाएंगे क्योंकि अभी वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप देख सकते हो लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप खाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं बनाने के लिए रेडी हूँ। चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पे एक पतीला लेंगे, उसमें पानी हम लोग गर्म करेंगे और इसमें हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये जो चाउमीन है वो एक दूसरे को चिपकेगी नहीं। तो हमको इसके साथ बॉईल करना है इसको। तो यहाँ पे दोनों गर्म हो गया है और यहाँ पे हम लोग हक्का नूडल्स लेंगे। अगर आपको सिंपल वाला जो नॉर्मल आता है वो नूडल्स यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसमें मैंने नूडल्स को दो टुकड़े में काट दिया है, हमको बारीक टुकड़ा नहीं करना है क्योंकि इसका अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसको हम पानी में डाल देते हैं। इसमें मैं 3 से 4 मिनट उसको उबालूंगी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है हमको, इसको थोड़ा हम 80% जितना ही पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा पक गया है हमारा। हम चेक करेंगे तो ये अच्छा पक गया है, हमको इतना ही पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये हमारा बॉईल हो गया है, इसको छन्नी की मदद से निकाल देंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तो ये ऑयल डालेंगे, आपको ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है क्योंकि चाउमीन में सॉस आता है तो ज़्यादा नहीं चाहिएगा। यहाँ पे अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट ली है मैंने, 1.5 टेबल स्पून लिया है। आपको स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा तीखा बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा हल्का सा भुनेंगे। उसके यहाँ पे हम लोग प्याज लेंगे, ये मैंने एक प्याज लिया है, उसको लंबी चीरिया बनाई है तो वैसे ही लंबी लंबी कटिंग करना है वेजिटेबल्स। इसको हाई फ्लेम पे हमको 2 सेकंड के लिए पकाना है, ये 2 सेकंड में पक जाएगा। इसमें वेजिटेबल्स थोड़ी कच्ची पकी ही रहती है तो हमको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग शिमला मिर्ची डाल देंगे, वो भी मैंने लंबी लंबी काटी है। तो यहाँ सब सब्जियाँ हम लोग लंबी लंबी काटेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं गाजर ऐड कर लूँगी, अभी गाजर बहुत अच्छे आते हैं ठंडी का टाइम है तो। और उसके बाद हम लोग ग्रीन ऑनियन लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो ये ज़रूर से आप ऐड करना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ नमक सब्जी के हिसाब से डाल देंगे अभी, क्योंकि सब्जी के भाग का हमको नमक डालना है। अभी यहाँ पे हम लोग सॉस सारे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिया है और मैं 3 टेबल स्पून चिली सॉस लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर सॉस डालूंगी, वो भी 3 टेबल स्पून ले लेंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे मैं सिजवान चटनी डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आप एक बार ज़रूर से ऐड करना इसको। इसको हाई फ्लेम पे ही हमको सारा सॉस को पकाना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये नूडल्स है वो डाल देंगे जो बॉईल किया था हमने। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जब भी नूडल्स बॉइल्ड होता है उसके बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो ये नूडल्स खुले खुले ही रहेंगे, तो ये आप फॉलो करना। उसके बाद इसको हम पूरा मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये हमारा मिक्स हो गया है। अभी आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया लुक आ रहा है, सारे वेजिटेबल्स के साथ है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। एकदम बढ़िया हमारा चाउमीन रेडी हो गया है। तो आप चाउमीन घर पे बनाओगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बाहर का अभी हम लोग खाते हैं तो बहुत नुकसान भी करता है। यहाँ पे मैंने नूडल्स का भाग का नमक ऐड कर दिया है क्योंकि हमने वेजिटेबल्स का ही डाला था, हमको थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि सॉस में नमक आता ही है। तो यहाँ पे हम लोग सर्व करेंगे, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लुक आ रहा है। तो एकदम बढ़िया हमारा चाउमीन रेडी है।
बच्चे को, बड़े को, सबको ही अच्छा लगता है ये चीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो? और अगर मेरी चैनल पे नए हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। यहाँ पे मैंने ऊपर से ग्रीन ऑनियन डाल दिया है ताकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लुक आएगा। तो आप भी ज़रूर से ऐड करना। और बाहर जैसा जो मार्केट में मिलता है वैसे ही नूडल्स आपको घर पे बनाना है।